हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। आई एम मनमीत सिंह और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जब से स्टार्ट होती है फ्रॉम अबाउट क्लास, अगर लगा ले कि 8th क्लास से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, किसी भी बोर्ड की बात कर लें, पंजाब बोर्ड, CBSE, ICSE, कोई भी रीजनल बोर्ड्स हो गए, दिल्ली बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया, तो सब में जो टॉपिक्स हैं NCERT बुक्स के टॉपिक्स तो वैसे ही सेम रहने हैं, बाकी पब्लिशर्स भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ICSE का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा फॉरवर्ड चल रहा होता है, जैसे जो चीज़ हम 8th में करते हैं वो 7th में कवर कर लेते हैं। सो एट मोस्ट इसीलिए मैंने तीनों क्लासेस का सिलेबस इकट्ठा कर दिया है। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं केमिस्ट्री के वो क्लियर आउट हो जाएंगे शुरू से। चलो शुरू करते हैं केमिस्ट्री शुरू से। लेट्स नाउ सी, वी आर हैविंग अपनी कॉपीज और पेन्स के साथ इनके नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। वी आर हैविंग अबाउट 118 प्लस एलिमेंट्स, ठीक है? हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118। और जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का बेसिक यूनिट वो कहते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट होती है चीज मैटर से। नाउ व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को इस अर्थ पे, एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। हम अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, चाहे वो विंडो है, चाहे वो कर्टन्स हैं, चाहे वो स्टैंड है, चाहे वो चेयर है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी है, ऑल एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है? अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जिस कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करे कोई भी चीज और उसका कुछ मास हो, दैट इज नोन एज मैटर, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूं तो इस वक्त मैं इस रूम में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, ठीक है? कुछ मेरा अपना मास होगा, सो दैट विल बी, दैट शोज दैट कि वी आर मैटर, आई एम मैटर, ओके, ठीक है? अब मैटर किस चीज से बनता है? मैटर बनता है मॉलिक्यूल से। मैटर को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंदर क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स। देन मॉलिक्यूल्स किस चीज से बने होते हैं? एटम से। देन एटम्स किस चीज से बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है? न्यूट्रॉन्स का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। इस पे क्या आ गया? नेगेटिव, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, फिर से लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है? सबसे पहली चीज, हमारे पास 118 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं नेचर में। मैटर क्या होता है? हर चीज मैटर से बनी है। मैटर किस चीज से बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किस चीज से बना है? एटम से। एटम किस चीज से बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से, ठीक है? चलो अब बात करते हैं इन 100 प्लस एलिमेंट्स की। मेजरली इन्हीं पे सारी केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, ठीक है? चलो अब हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल टर्म आ जाती है, पीरियोडिक टेबल, जिसपे क्या होता है, ये सभी जो हमने 118
18 एलिमेंट्स की बात की थी, 118 प्लस एलिमेंट्स जो हैं वो इस पीरियोडिक टेबल में सेट आउट किए गए हैं, सेट रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम एक एक एलिमेंट को नाम देते जाएंगे। जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, हर बच्चे को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है, इसी तरह जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चे हैं क्लास के और एटॉमिक नंबर जो है वो है रोल नंबर है क्लास का। लाइक फर्स्ट वन रोल नंबर पे किस बच्चे को रखा गया है, हाइड्रोजन को। नाउ द एलिमेंट ऑन फर्स्ट नंबर इज हाइड्रोजन, ओके, एंड इट्स सिंबल इज एच, ओके। ऑन सेकेंड नंबर इट इज हीलियम, इट्स सिंबल इज एच ई, ओके। थर्ड हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, नाउ इट्स सिंबल इज एल आई। फोर्थ बेरिलियम, बेरिलियम के क्या स्पेलिंग है, बी ई, ठीक है, इसका सिंबल आ गया बी ई। अच्छा अब फिफ्थ में बोरॉन और इसका आ गया अकेला डी, ठीक है, फाइव ए हो गए। अच्छा नाउ सिक्स्थ आ गया हमारे पास कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी कार्बन और उसके कंपाउंड्स पे टिकी है। सेवेंथ नाइट्रोजन, सिंबल्स रह गए, कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी, नाइट्रोजन का कैपिटल एन। एट्थ इज ऑक्सीजन, दैट इज ओ। नाइन्थ इज फ्लोरीन, दैट इज एफ। एंड टेंथ इज नियॉन, सिंबल एन ई, ठीक है। 10 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। नाउ नेक्स्ट 5 कौन से होंगे, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, ठीक है, ये देखते हैं कौन से हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड 20th इज कैल्शियम, ठीक है। अच्छा इसके नेम्स, सोडियम, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज सल्फर, दिस इज क्लोरीन, दिस इज आर्गन, दिस इज पोटेशियम एंड दिस इज कैल्शियम। ये नजर आ रहा है, ठीक है, कैल्शियम तक सब नोट कर लेंगे सारे। अब चलो जल्दी से नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लो। सो हमारे पास जो 20 एलिमेंट्स हैं मैंने उनके नेम्स लिख दिए हैं, लाइक हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोराइन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। दिस इज क्लोरीन, ठीक है, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन, ओके। अच्छा जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, जिनको मैं सर्कल करने लगा हूँ वो देखो क्या है, ये देखो हीलियम को मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया। नियॉन को मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया। आर्गन को क्या किया, सर्कल कर दिया। ये सर्कल्ड एलिमेंट्स जो है ना दैट आर नोबल गैसेस, मतलब कि
सेकेंड वाला, सेकेंड सेकेंड इज हीलियम, देन टेंथ नियॉन, देन 18th आर्गन. सो दीज थ्री आर, दीज थ्री आर नोबल गैसेस. ओके, जिनके लास्ट शेल्स कंप्लीट है. ठीक है, समझ आ गई बात. चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड.